आज के इस वीडियो में जानेंगे भूपेन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से अगर आप किसी भी तरह का कोर्स किए हैं, बीए बी कॉम या बीएससी किसी भी तरह का कोर्स किए और उसका सर्टिफिकेट जो यानी कि मूल प्रमाण पत्र अभी तक आपको नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन वो पुराना तरीका था, अब साइट को अपडेट कर देगा, न्यू तरीका से न्यू पोर्टल से ये अप्लाई ले रहे हैं मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का। BNMU मधेपुरा यूनिवर्सिटी से अगर आप कोर्स किए हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा और एक सक्सेसफुली अपना मूल प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई करके अपना खुद का मूल प्रमाण पत्र पा लिया हूँ बाय पोस्ट, तो आप भी पा सकते हैं बाय पोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह अपना मूल प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए आपको bnmu.ac.in की वेबसाइट पर आना होगा, यानी कि भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए दे रखा है। उसके बाद जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, जिस भी चीज का जो भी कोर्स का आप मूल प्रमाण पत्र निकालना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, यानी कि अगर बीए का मूल प्रमाण पत्र निकालना चाहते हैं तो बीए का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद अगर आप बीए का मूल प्रमाण पत्र निकालना चाहते हैं तो बीए में लास्ट में जो आपका रोल नंबर था वो देना होगा, यानी कि पार्ट थर्ड में यानी कि लास्ट सेमेस्टर का रोल नंबर आपको देना होगा। जो भी कोर्स किए थे उस कोर्स का लास्ट सेमेस्टर था उस सेमेस्टर का आपका रोल नंबर, आपको रोल नंबर यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम इंग्लिश में आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का फुल नेम यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर मेल या फीमेल वो आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का एक ईमेल आईडी देंगे, जिस पे आपको एनी टाइप नोटिफिकेशन, हर टाइप की नोटिफिकेशन आपको यूनिवर्सिटी की ओर से मिलते रहेंगे, तो यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डिग्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स देना होगा, ठीक है। कोर्स आप लिखेंगे, जैसे कि आप बीए किए तो बीए लिखेंगे, उसके बाद कोस्ट में आप सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे कि बीएससी किए है, ऑनर्स मैथ है, तो आपको बीएससी ऑनर्स और कोस्ट में आपको मैथ कर देना है। इसी तरह जो भी जैसे बीए किए हैं तो बीए लिखेंगे, उसके बाद ऑनर्स लिखेंगे, उसके बाद आपको कोस्ट में लिखना होगा आपका सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट से किए है कोस्ट में लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट यानी कि कोस्ट बंद कर दी, इस तरह आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम, यहाँ पे जिस भी कॉलेज से आप ये कोर्स किए, जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं उस कोर्स कौन सी कॉलेज से किए वो डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेशन देना होगा, सेशन कैसे देना होगा, जैसे 2017 इस तरह डेस्क देना है, उसके बाद 2020 इस तरह आपको सेशन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना होगा, आप कब पास किए हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह पासिंग ईयर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट टू रिसीव डिग्री, उसके बाद गेट डेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे ले सकते हैं या आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो फिलहाल मैं गेट डेट पे क्लिक करता हूँ। गेट डेट यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको डिग्री जो आपका डिग्री कब मिला है, अपने सर्टिफिकेट पे देख लीजिएगा आपका सर्टिफिकेट कब पब्लिश हुआ है, वो डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सर्टिफिकेट जो आप लीजिएगा वो किस तरह लेना चाहते हैं, बाय सेल्फ कलेक्ट, यानी कि आप खुद यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में जाके ले सकते हैं, या बाय पोस्ट आप अपने एड्रेस पे डाक के द्वारा ले सकते हैं। अगर बाय पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और यहाँ पे आपको सब पूछा जाएगा कि आप इंडिया में लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट या इंडिया से बाहर लेना चाहते हैं। इंडिया से बाहर लेंगे तो चार्ज ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इंडिया में लेंगे तो आपको विद इन इंडिया को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस दे देना होगा विद पिन कोड के साथ, ठीक है। अपना पूरा एड्रेस पिन के साथ यहाँ पे आपको डाल देना होगा। ये पूरी फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। ये सारी फॉर्म फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो डेट ऑफ रिसीव डिग्री मांग रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपको किस डेट से पहले आपको जो ये सर्टिफिकेट है ये चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जब भी आज से 30 दिन बाद का, यानी कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से 30 दिन बाद का कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे तो उस डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट होगा, आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए डेट ऑफ डेट टू रिसीव डिग्री, यानी कि किस डेट से पहले आपको डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे आपको आज के डेट से 30 दिन बाद का, तो यहाँ पे समझ गए कि यानी किस डेट
से पहले आपको डिग्री चाहिए, यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, गेट डेट पे क्लिक करके आज की डेट से 30 दिन बाद का आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसका पूरी डिटेल देने के बाद सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं योर डिग्री डॉक्यूमेंट इज बी एन एम यू इज सेवेड, यानी कि आपका यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई डी भी आपको जनरेट करके दे दिया गया है, ये आपका रिक्वेस्ट आई डी होगा। और यहाँ पे कितने पेमेंट आपको करना होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सबमिट हो गया हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे या भीम यू पी आई क्यू आर कोड से जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेट बैंकिंग से करना चाहे तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं भीम यू पी आई क्यू आर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बी ओ बी को ये ऑप्शन इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कितने रुपये चार्ज लगेंगे वो आप देख रहे हैं, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने क्यू आर कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट से पहले आपको किसी भी यू पी आई ऐप से इस क्यू आर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना। आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो अलग होगा, मेरा क्यू आर कोड था इसलिए मैंने क्यू आर कोड से कर रहा हूँ। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं क्यू आर कोड को स्कैन कर चुका हूँ अपने यू पी आई फोन पे एप्लीकेशन पे और यहाँ पे मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ इस क्यू आर कोड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी भी हमें दे दिया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया, मतलब ये रिक्वेस्ट आईडी है, इस रिक्वेस्ट आईडी से हम अपना स्टेटस को चेक कर पाएंगे। इसे हम कॉपी कर लेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिसिप्ट भी जेनरेट करके दे दिया गया, इसी रिसिप्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट आइकन है, इस प्रिंट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर सकते हैं या डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आपका सर्टिफिकेट रिसीव होगा तो वहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जो है उस टाइम आपको दिखाना होगा, ठीक है। और अपना मेल चेक करते रहिए और मोबाइल चेक करते रहिए एनी डिटेल के लिए, ठीक है। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहीं पे आना होगा। फिर से जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नो योर स्टेटस, नो योर स्टेटस क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आईडी मिला तो वो आईडी देंगे, बीएनएमयू आगे में नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये आईडी देने के बाद आपको सर्च बाय रिक्वेस्टर आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे आईडी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने वही डिटेल आ जाएगी जो आपने प्रिंट किया था। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे अभी सबमिटेड दिखा रहा है, यहीं पर आपका एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में बीएनएमयू मधेपुरा यूनिवर्सिटी का मूल प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रक्रिया आप जान गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।